is the story of a boy who is from Hyderabad. He loves Hyderabadi biryani. He comes from humble beginnings. The single liner to define his story would be, a middle class boy, aaj sach mein superstar hai. This is the Reena Dsouza Show. Co-partnered with Grey Nichols, in association with Chasing Perfection Events Private Limited, The Naked Eye Motion Pictures, Radio Indigo 91.9 FM, Location Partners, Fandom Gillies Kormangla, Talent Management Partners, Games Unlimited, NGO Partner, Trinity Care Foundation, Gifting Partner, Live Active, Nissa from Richest Laboratories, Osiru Shoutly, Cab Partners, Royal Tours and Travels, Social Media Partners, Big Star Media, Makeup and Hair, Manjunath. Please welcome India's finest bowler, Mohammed Siraj. Please take your seat, Mohammed Siraj. It was lovely. It is really, really lovely to having you with us on our show. And we know you've got some amazing stories to tell us, right? We know that your dad had been driving auto, and then you have changed the financial conditions of the house. You weren't playing cricket till the age of 7. The journey changed. Kaisa raha aapka ye journey? Ab bataiye zara cricketing journey ke bare mein bataiye. Pehle main tennis ball cricket khelta tha. फिर उसी के बाद मतलब एक टूर्नामेंट था तो उसी के बाद तो एक जने मुझे देखा आपका इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर है तो आप क्यों अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते तो मैं बोला कोई ऐसा मिला नहीं अभी कोई अच्छा क्रिकेट खेले ऐसा तो ठीक है आप मेरे क्लब को खेलना स्टार्ट करो आप तो मैं क्लब को जाके खेलना स्टार्ट किया तो उसी के बाद मैं हाईएस्ट लीडिंग विकेटर करता मतलब 7 मैचेस में 59 विकेट्स था फिर उसी के बाद मुझे 23 प्रबल्स में मुझे डाले फिर उसी के बाद मैं उतना फर्स्ट मैच में ओके परफॉर्मेंस था तो सेकंड मैच में मुझे एक भी विकेट नहीं मिली तो थर्ड मैच में 5 विकेट हॉल लिया तो फिर मुझे स्टेट टीम में डाले 23 वाओ तो फिर मैं स्टेट टीम में इतना 7 मैचेस में 29 विकेट्स लिया तो रणजी ट्रॉफी में 7 मैचेस में 29 विकेट्स क्या अचीवमेंट है वे बताइए ज़्यादा हमें रणजी ट्रॉफी में मुझे चांस मिला फर्स्ट मैच में तो एक ही विकेट मिली तो उतना मतलब एकदम बहुत ही सोचने मतलब एकदम मैं वो हो गया था कि अरे इतना अच्छा मौका मैंने गवा दिया तो फिर उसी के बाद वो सीज़न चले गया फिर उसके बाद ये आईपीएल स्टार्ट हुआ तो मैं नेट बॉलर बन के आरसीबी वर्सेस सनराइज़र का मैच था हैदराबाद में तो मैं नेट बॉलर बन के गया था तो वहाँ पर अच्छी बॉलिंग डाला तो आरसीबी के कोच थे भरत अरुण सर तो उन्होंने मुझे देखा तो बुलाया आपका नाम क्या है तो सर मैं मोहम्मद सिराज हुए तो फिर उसके बाद लक्ष्मण सर से बात हुई इनकी तो लक्ष्मण सर से पूछे मुझे बुलाए तो उनको मुझे लक्ष्मण सर को पता नहीं था कि मेरे बारे में तो लक्ष्मण सर ने हाँ ऐसा बच्चा है मतलब फिर नेक्स्ट ईयर हमारे टीम को हैदराबाद रणजी टीम को भरत अरुण सर ने अब हमारे हैदराबाद के रणजी ट्रॉफी कोच थे तो वो साल मेरे लिए लक्की था मतलब वो आना फिर मैं उसी के बाद फिर वो हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर था मैं हैदराबाद से मतलब 43 विकेट लिया था मैं रणजी ट्रॉफी में तो बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने इतना मुझे बैकअप करे मतलब कॉन्फिडेंट देते थे कि तेरे को कोई से भी बैट्समैन के तू विकेट निकाल सकता है तेरा इतना अच्छा टैलेंट है वो फिर मैं आईपीएल में सेलेक्ट हुआ तो सनराइज़र के तो मैं फर्स्ट हाफ में मेरा नाम ही नहीं आया था लंच तक तो मैं एकदम प्रेशर अरे जब आएगा मतलब एकदम एक्साइटेड था तो मैं लंच तक आया नहीं अरे मेरा नाम नहीं आया मतलब अब आता कि नहीं आता कि तो एकदम मेरा नाम आया बस मेरा नाम आया मैं ऐसा एकदम शॉक अरे ये कि अब थोड़ी देर तक तो बैटिंग ही नहीं लगाए थे मेरे ऊपर मोहम्मद सिराज हैदराबाद के फास्ट बॉलर तो मैं थोड़ी देर तक एकदम शॉक हो गया मतलब कोई बैट उठाया ही नहीं था फिर एकदम आरसीबी और सनराइज़र ने लड़ना स्टार्ट किया शुरू किया और करोड़ों में बातें होनी भी शुरू हो गई वहाँ पे 260 पे जाके रुकी एब्सोल्युटली 2.6 करोड़ की बात हुई थी है ना तो हम बात कर सकते वो आपका जो पहला क्रिकेट मैच था ये सुनने में आया था कि आपका जो सैलरी उस वक्त रहा वो 500 रुपए का था क्या सही है सच है 500 रुपए से 2.6 करोड़ क्या कह सकते हैं इसके बारे में बताइए जरा हमें पहले मतलब मैं मामा के साथ जाता था तो उनके साथ खेलता था तो एक मैच में मैं 9 विकेट लिया था तो मामा ने मुझे ले तेरा लिए मैन ऑफ द मैच है तो 500 रुपए बहुत ही मुझे काम नहीं आए थे
तो हमारे डैड ऑटो चलाते थे, मतलब मुझे डेली के 70 रुपीज़ देते थे पॉकेट मनी, पॉकेट मनी। बड़े भाई को 100 रुपीज़ देते थे, क्यों बोले तो इंजीनियर था मेरा भाई, तो बस से जाता। तो उसी के बाद मैं पापा से, मुझे मेरे पास प्लैटिना कार थी, मतलब प्लैटिना बाइक थी, तो उसी के तो प्लैटिना पे जाता था, तो 60 रुपीज़ का तो 1 लीटर पेट्रोल डल जाता था। अब 10 रुपये बचते थे वो पॉकेट मनी में, तो कहीं गाड़ी पंक्चर हो गई तो फिर फ्रेंड को बुला वो भी निकल जाता था। वो भी चल जाता, मतलब किसी से उधार लेना पड़ता था, दे भाई तेरे को कल देते हम लोग वो बोल के। तो उसके बाद डैड ने बोलते थे, मॉम बोलते थे, तेरा भाई इंजीनियर है तो तू क्या कर रहा, तू कहीं को वक्त ख़राब कर रहा वो है, मतलब मॉम बोलते थे। तो बोला नहीं मॉम, एक दिन ऐसा दिन आएगा पैसे रखने जगह नहीं रहेंगे आपके पास। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा सच में हुआ है कि नहीं? तो कहते हैं जो सपने देखते हैं, जितना लंबा सपना होता है ना वो सपना पूरा होता ही। हाँ, तो मॉम बोले देखेंगे तू क्या करता है, मतलब हमेशा मुझे ऐसे बोलते रहते थे, मैं बोला नज़रअंदाज कर देता था मॉम। फिर उसके बाद मॉम, जैसा मैं IPL में सेलेक्ट हुआ तो मॉम एकदम एक्साइटेड, मतलब मैं घर में भी नहीं था वो टाइम पे, मतलब बाहर था मैं। आप घर पे ना रहो लेकिन घर घर की बात आप बन गए होंगे उस वक्त। तो मैं दोस्त, मतलब घर पे नहीं देखना चाह रहा था कि IPL, मतलब कि एक्साइटेड, मतलब किसके एक्साइटेड, मतलब किसी से किससे बात करूँ, मतलब मॉम डैड से तो बात नहीं कर सकता मैं ज़्यादा। तो इसके बाद से मैं फ्रेंड के घर चले गया था IPL जब बोली लगती है। तो उसके बाद मैं जब रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब सबके पास कार थी तो मेरे पास बाइक, तो बाइक को वो किक मारने, मतलब किक ढकल के स्टार्ट करना पड़ रहा था। तो मैं जब सोचता रहा यार मेरे पास कार कब आएगी, कब मैं कार में बैठ के जाऊँगा, तो फिर मैं बोला फिर छोड़ यार चल प्रैक्टिस पे ध्यान देते हो, बोल के प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, आज इतना अचीवमेंट है ना। आज कहाँ से कहाँ आप पहुँच गए हो, आज अगर आप चाहो ना पूरा एक 4-5 ऑडी ले सकते हो आराम से। तो सिराज, फैमिली सपोर्ट के बारे में आपने बता दिया है कि कितना आपको सपोर्ट मिला है। मम्मी थोड़ी बहुत शायद डाउटफुल थी उस वक्त, क्योंकि आप बेटे हुआ ऑफकोर्स वो रहता ही है, लेकिन पापा की तरफ से कितना सपोर्ट आया आपको? पापा को तो पापा मेरे को हमेशा ही सपोर्ट करते थे, कि मॉम मुझे डांटते थे मगर पापा मुझे सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं ले पैसे ले जाओ, मगर मॉम तो जब मैं मैच खेलने जाता मतलब टेनिस बॉल का, तो मॉम जाने नहीं देते, फुल डांटते थे मारते थे, और अब फिर घर में खामोश बैठ जाता था। जैसा मॉम डैड सोते कि मैं उठता था फिर निकल जाते थे रात में। तो कुछ ऐसी ही कहानी रही होगी। वर यू ऑलवेज वेरी स्टूडियस पर्सन या यू वर नोटोरियस? नहीं, बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स बिल्कुल हमारी तरह। पढ़ना तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था शुरू से। ओके। स्कूल जाता था, मतलब डैड मुझे लंच में टिफिन लाके देते थे, तो बंक मारे तो भी डैड को पता चल जाता था टिफिन। तो मैं पूरा सेट कर देता था, डैड आज मत बनाओ, क्यों टिफिन मत लाओ, स्कूल में ऐसा कुछ फंक्शन है वो है, बोल के डैड को आप टाल देते थे। हाँ, डैड बोलते हाँ ठीक है नहीं लाऊंगा, वो अपन उस दिन बंक मार देते। क्या बात है। ओके, लेकिन वही से कहानी शुरू हुई होगी ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आप टेनिस क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ से नई कहानी बन गई। और देखिए आज आप कहाँ हो यार, RCB के लिए भी आप खेलते हो। तो जब हम RCB की बात करें, अगर आप टीममेट्स के बारे में बात करो, तो आपका इंस्पिरेशन इस टीम में से कौन है? इंस्पिरेशन तो मैं अभी तक कोई नहीं रहा मेरा, बस खाली मैं भूवी भाई को फॉलो करता हूँ। भूवी भाई मतलब जो उनकी पेस थी, अब जो पेस जनरेट करे नो, तो उनको फॉलो, स्विंग एंड वो जो डेथ बॉलिंग में नो, यॉर्कर्स हुए, नकल बॉल हुए, जो डालते हैं बस उनकी फॉलो करता हूँ। तो हमारी टीम में विराट भाई है, तो उनको ज़्यादा उनके ऊपर ही मेरा फोकस रहता था। मतलब जब मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ, मतलब विराट भाई को खाली टीवी में देखते थे, जब मैं फर्स्ट टाइम जाके विराट भाई को देखा, सामने विराट भाई बैठे मैं इधर ही बैठा हूँ, तो प्रैक्टिस जाना था, मैं खाली विराट भाई को ऐसे ही देख रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही देख रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ हूँ या नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता, बस उनको देखो, बस उनको ही देख रहा था। हाय, विराट भाई बोले मियाँ क्या हो गया तुम्हें? नहीं भैया कुछ नहीं, बोल गया। फिर मैं शूज वूज पहन ले गए, फिर एकदम चले गए। फिर जब मुझे आशुभा का वो था लास्ट फेयरवेल मैच, तो वो फेयरवेल मैच ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट डे मेरा चांस था, मतलब सेकेंड मैच में, तो राजकोट में मैच था, तो नेशनल एंथम के टाइम पे, तो जब नेशनल एंथम पढ़ रहे हो फिर मतलब पूरा एकदम मेरा फ्लैशबैक, जो मैं स्ट्रगल करा मेरी लाइफ में, जो डैड का मतलब ऑटो चला, एक बेटा ऐसा फ्रॉड में से,
तो एकदम आंसू वो खुद ब खुद ही निकल गए जब नेशनल एंथम के टाइम पे. जहाँ से शुरुआत हुई, हम्बल बिगिनिंग्स जहाँ हम कह सकते हैं, जिसने हमें बहुत सिखाया है, जो आप बने हो शायद उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस से बने हो, क्योंकि क्या आपको लगता है कि स्ट्रेंथ वहीं से बिल्डअप हुई होगी? बिल्डअप तो नहीं, मतलब जब मैं, मेरा ऐसा लगा कि मैं जब मुझे 23 के स्टेट मैच से दो दिन पहले मुझे डेंगू हो गया था. डेंगू हो गया था आपको? अच्छा. तो मुझे प्रैक्टिस जाना था, तो मैं ऐसा सर को कॉल करा, मतलब मेरे ब्लड सेल्स मेरे बहुत ही काफ़ी कम हो गए थे, तो मुझे प्रैक्टिस भी नहीं जाना था, मतलब अर्ली मॉर्निंग मेरा चेकअप था. तो 23, मतलब मैं सर को कॉल करा, सर ऐसा मैं नहीं आ सकता सर प्रैक्टिस को. क्यों बोले तो मैं ऐसा दो तीन बार सर को बोल दिया, सर इनो मर गए, इनो मर गए, मतलब प्रैक्टिस को कभी जाता रहता. तो ऐसी मतलब सर को लगा वो झूठ बोल रहा है, तो मैं सर को बोला सर ऐसा नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, मुझे बहुत ही फीवर है सर. तो वो सर बोले तू नहीं आया तो टीम में से बाहर हो जाएगा. तो मैं सर को बोला ठीक है सर, करो या मरो जैसा सिचुएशन रहा होगा. अब मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी कि जाके मैं उधर बॉलिंग डाल सकूं. तो फिर उसके बाद मेरे ग्लूकोस चढ़ रहा था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग मुझे चेकअप था, तो मैं अब क्या करूँ, कुछ है नहीं, मुझे खेलना था क्रिकेट. तो उसी के बाद मैं बोला ठीक है, मरे या जिंदा रहे वो परवाह नहीं है, प्रैक्टिस को तो जाना है. बोले ग्लूकोस वो निकाल लिया, मतलब वो पैच था, तो अगर वो पैच लेके गए तो इन्हें बीमार है वो बोल के वो भी रहता बोल के. फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाके वो निकाल के प्रैक्टिस को गया. फिर नेक्स्ट डे आया, वो प्रैक्टिस कर लिया, कर ले गए. फिर हॉस्पिटल पूरे डॉक्टर परेशान, बच्चा किधर चलेगा, मतलब इतने ब्लड सेल से इतना चेकअप है वो है, बच्चा किधर चलेगा. फिर उसके बाद आया, चेकअप वेकअप करा, मतलब सब पॉजिटिव आया. तो वहीं मेरा लाइफ का फर्स्ट जो यहाँ से सक्सेस मिलने वाला था, वो एक मेरा पहला कह सकते हैं, जैसे कि खुल जाता है दरवाज़ा. ओके. अगर हम आगे देखें, है ना, तो आप किस विषय में फोकस करते हैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में? इज़ करियर मोर इम्पॉर्टेंट और फैमिली मोर इम्पॉर्टेंट? पहले तो फैमिली आना चाहिए, फिर उसके बाद करियर. फैमिली मस्ट इम्पॉर्टेंट. मुझे मॉम डैड ने इतना सपोर्ट किया, तो उनकी ज़्यादा मैं केयर करूंगा, फिर इसके बाद करियर के बारे में. एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ तो दिया है, बड़ा किया. एब्सोल्युटली सही कहते हो, उनकी दुआ से मैं आज यहां पर खड़ा हूं. तो वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. तो आप मुझे बताइए, हाउ इज योर डैड्स रिएक्शन टुडे? क्योंकि आई एम सर्टन दैट यू हैव गिवन द बेस्ट फाइनेंशियल्स दैट्स पॉसिबल, यू नो द कंडीशन हैज इंप्रूव्ड, यू हैव गिवन देम बेटर लाइफस्टाइल, बेटर लिविंग. सो हाउ डज इट टेक इट? तो डैड मुझे बोलते हैं कि अब डैड नमाज को जाते हैं, तो पूरे लोग बोलते हैं ये मोहम्मद सिराज के डैड है. पहले मुझे डैड बोलते थे कि ऐसा बोलते थे कि ये मोहम्मद गौस का बेटा है. मैं बोला ठीक है ठीक है. फिर इसके बाद अब ऐसा बोल रहे हैं पूरे मोहम्मद सिराज के डैड है. ये देखो मोहम्मद सिराज के डैड है, ये मोहम्मद सिराज के डैड. तो डैड बोलते सब मेरे नाम से जानना चाहते थे, अब तेरे नाम से मुझे पहचान रहे हो. कैसा दिन आ गया है ना, बहुत बहुत बढ़िया. कुछ ऐसी कहानी आपके बचपन से जो आपको याद आए, शायद आपका दोस्त हो सकता है जिसने आपकी मदद की हो, या ऐसा कोई है आपकी ज़िंदगी में? मेरा दोस्त है शाहरुख बोल के, मतलब मेरे अच्छे में भी साथ देता है और बुरे में भी साथ देता है, मतलब कि मुझे सपोर्ट करता है हर चीज़ का. मतलब मैं जल्दी सो जाऊँ, मतलब मेरे को जल्दी सोने की तो आदत थी नहीं, तो वो बोलता है जल्दी सो जा, फिर प्रैक्टिस रहती, तो बॉलिंग में भी इफेक्ट पड़ता है. बोला कुछ नहीं होगा यार, तू बैठ, मतलब ऐसी घर के पास बैठते थे वो उन्होंने. और आपने मुझे ये भी बताया था कि ऐसा सिचुएशन रहा कि जब आपके पास मोबाइल फ़ोन थी नहीं, तो उन्होंने आपको मोबाइल फ़ोन भी दिया था. हाँ, जब मैं ऐसा आंध्रा खेलने जा रहा था, मैं तो बस में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद था, मतलब हेडफोन में जाके. तो मैं उसको पूछा था, मतलब वो फ़ोन दिया था मुझे, ले जा ये फ़ोन ले के जा. तो ऐसे दोस्त हैं, है ना, आज के ज़माने में अच्छे दोस्त ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन उनमें से जब वो कम मिल जाते हैं तो उनको संभाल के रखना होता है. बहुत बढ़िया. तो सिराज, अपने बड़े भैया के बारे में बताइए, इंजीनियर साहब हैं, तो उनके बारे में बताइए हमें. हमारे बड़े भाई तो पहले तो ठीक से, मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, गाड़ी पहले उनके पास थी, गाड़ी मेरे पास तो थी नहीं, तो उनकी कॉलेज जाते खुद तो मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं थी, तो वो चाबी किसी की लगवा के खोल के निकल जाना था. तो एक दो बार भाई को पता चल गया, तो फुल डांटे मारे, मतलब हम दोनों में मतलब 2 साल का ही डिफरेंट था, तो हम दोनों गुस्से में लड़ लेते थे. क्या बात है, आज तो पक्का दोस्त हुए होंगे आप. एकदम फ्रेंडली भाई, तो बोल ही नहीं सकते, एकदम फ्रेंडली. वो खेलते हैं क्रिकेट? वो मतलब टेनिस बॉल ही खेलते हो. आपने सिखाया नहीं है. एकदम
Rahul sir ke aisa ekdam defensive. Hi, kya baat hai. Okay, so this is great. You know, we know about your family. We know what you've gone through. Were there any injuries that you would like to talk about, or was there something that you had combated in your life? Did you, how did you face challenges? जब इंजुरी आती है तो बहुत ही अपने जो इम्पोर्टेंट मैचेस रहती है, अपॉर्चुनिटी रहती है, वो टाइम मिस करना नहीं चाहिए. मतलब कभी भी आपको, मतलब आप मैच खेले तो दो दिन के बाद ट्रेनिंग फिर स्टार्ट करिए, मतलब उसके बाद कुछ होगा आपको तो पूरे अपॉर्चुनिटी मिस हो गया आपकी. वेरी वेरी ट्रू. तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होता है ना. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गॉड फॉरबिड, नथिंग इज हैपेंड. लेट्स टच द वुड राइट हियर, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिराज, you've told us so much story, right? So we've heard so much from you. So we've got some more things to hear from you. But however, it's time to get through the next segment, which is the most interesting segment. And that's the game segment presented by Grey Nichols. Playing games unlimited is something that we all love doing the most. And that's why on our show, we've got games segment, which means that's brought to you by Grey Nichols. And with me is Mohammed Siraj. So Siraj ji, aapko simple sa kaam karna hai. Aapko bat utara hai aur mini golf khelna hai. Tayar hai aap? Woo! That was close. So you get two more chances, all right? You get two more chances. You miss it, you have some penalties. Yeah, two more to go. Two more? Ah! Come on, Siraj. Okay, you get one more chance. Lekin agar ye bhi miss hua na, to penalty dena hoga aapko. Theek hai? Tayar hai aap? Tayar. Chaliye, ho jaye to phir. 3, 2, 1. Let's go for it. Let's go for it. Yeah, 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 yeah. Woo! No problem. So Siraj, aap to bahut achha khele aap. Bahut badhiya khelte ho aap. Sab jante hain. लेकिन जब आप गोल्फ खेले तो यू नो पेनल्टी आपको देना है. तो पेनल्टी सवाल ये रहा कि आप हमें बताइए कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, उनका नाम बताइए हमको. अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तक सिंगल हूँ. अभी तक सिंगल हो? अभी तक. दो बार बोल दीजिए ताकि सब सुन ले. हाँ, अभी तक सिंगल हूँ. क्यों बोला तो कोई ऐसी मिली नहीं है अभी तक. हाय, सिंगल हो, रेडी टू मिंगल कह रहे हो आप. क्यों बोला तो फोकस एक ही जगह है, क्रिकेट पे. So we want you to sign on our bats. We want you to sign on our t-shirt. So I've got the Grey Nichols bat here and I've also got the t-shirt. So I want you to sign on the bat right here for us. Wow, I can proudly say that, you know, Grey Nichols also looks so beautiful with that signature up there. Yeah, Mohammed Siraj, it says. Beautiful. The next segment is coming up and that's the educative segment with Mohammed Siraj. Police इतनी हो गई थी, मतलब पूरी पुलिस, पूरा मेरे घर से लेके पूरा रोड तक पूरी पुलिस. वो तो ऑलमोस्ट नेशनल न्यूज़ जैसा सिचुएशन बना होगा, है ना. क्या बात है, बहुत बढ़िया. अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाओगे तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? आपके टीममेट्स में, जब नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम में, सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रेस्ड कौन है? दिस इज सो गुड, इजंट इट. अगर कोई यंगस्टर क्रिकेटर बनना चाहे तो फर्स्ट 5 स्टेप्स उन्हें क्या करना चाहिए? पहले तो अपने, मतलब जो उसकी सोच है, मतलब वो अपने क्रिकेट ही खेलना चाह रहा है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा.